Good morning, students. Today I will teach you from grammar book, and the chapter name is chapter 13, and chapter name is has, have, had. So students, take out your grammar book. Come to the page number 50. Students, हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है? Has, have और had, ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा. Students, we use has to talk about what one person, animal or thing owns. ठीक है students, हम लोग अगर हम लोग has use करते हैं किसी भी one person के लिए, चाहे वो animal हो या things हो, उसके पास में क्या है, ठीक है? Has का मतलब, ठीक है, हम लोग has करते हैं कि भाई singular के साथ में use करते हैं कि भाई उसके पास क्या है बताने के लिए, ठीक है? We also use has with, हम लोग has use करते हैं he, she, it and when we talk about any one person or thing, हम लोग has use करते हैं जब किसी एक व्यक्ति या एक सामान के बारे में हमको जब कुछ बताना पड़ता है तो हम लोग has use करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप मान लीजिए कि has हम लोग हमेशा use करते हैं सिंगुलर में, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो. ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखिए. सी हैज थ्री ब्रदर्स, ठीक है? उसके कितने भाई हैं? तो तीन भाई हैं. तो सी क्या है? सी सिंगुलर है, ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हम लोग हैज यूज किए हैं. ही हैज ए पैट कैट, ठीक है, उसके पास में एक पैट कैट है. तो ही क्या है? सिंगुलर है. हम लोग हमेशा हैज यूज करेंगे सिंगुलर के साथ में. नाउ सी नेक्स्ट स्लाइड. वी यूज हैव. अब हम लोग देखिए हैव कहाँ यूज करते हैं, ठीक है? आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हैज हम लोग सिंगुलर के साथ में यूज करते हैं. अब देखिए हैव कहाँ यूज करते हैं. We use have to talk about what more than one person, animal or thing wants. ठीक है, हम लोग have use करते हैं जब एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा हो, ठीक है, चाहे वो animals के बारे में बता रहा हो, चाहे किसी इंसान के बारे में, person के बारे में या things के बारे में, ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में जो एक से ज़्यादा होगा उसमें हम लोग have use करते हैं. We also use have with I, you, we, they. Okay students, हम लोग have use करते हैं I, you, we, they के साथ में. आप लोग को पता है ना, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि I, you, we, they क्या है? Plural है, ठीक है? ये एक से जो ज़्यादा होता है उसको plural बोलते हैं, ठीक? तो हम लोग have use करेंगे ये चारों के साथ में. And when we talk about more than one person or thing, हम लोग जब have use करेंगे, जब हम लोग एक person से कोई भी चीज़ ज़्यादा हो या कोई भी thing एक से ज़्यादा हो, तो हम लोग उसमें have use करेंगे. Simple सा आप लोग याद कर लीजिए, has use होगा singular में, he, she, it या कोई भी one person में, ठीक है, या animal हुआ या thing हुआ. और हम लोग हैव यूज़ करेंगे आर, यू, वी, दे और क्या बोलते हैं, जो वन पर्सन से ज़्यादा होगा, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो या थिंग हो. एग्जाम्पल, आई हैव ए गिफ्ट फॉर यू, ठीक है, मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए. हैव यूज़ किए क्योंकि आई है. द किड्स हैव वर्क टू फिनिश, बच्चे लोग के पास काम है ख़त्म करने के लिए, ठीक है. हम लोग हैव क्यों यूज़ किए, क्योंकि हैव के पहले देखिए किड्स लिखा हुआ, लास्ट में एस लगा हुआ है, यानी बहुत सारे, एक से ज़्यादा है, तो हम लोग हैव यूज़ किए हैं. दे हैव कुकीज़ फॉर अस, ठीक है, वे लोग के पास में हम लोग के लिए कुकीज़ है. हैव यूज़ हुआ क्योंकि दे लगा हुआ है, वो क्या है? प्लूरल है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स फिल अप द क्वेश्चन वन. फिलिंग द ब्लैंक्स विद has और have, हम लोग को फिल अप करना has और have. My dog has a short tail, मेरा कुत्ता का पूंछ कैसा है? छोटा है. She has a beautiful dress, उसका ड्रेस कैसा है? तो सुंदर है.
एलिफेंट्स हैव लार्ज ईयर्स, हाथी हाथी का जो कान कैसा है, हाथी का कान तो बड़ा होता है। हम लोग हैव यूज किए क्योंकि एलिफेंट के लास्ट में एस लगा हुआ है तो वो ज्यादा है, तो हैव। दे हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, वे लोग के फ्रेंड्स कितने हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, द वर्ड हैज एंड हैव टेल अस व्हाट इज देयर नाउ। हम लोग हैज और हैव कब यूज करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में, अभी के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। अभी जो हो रहा होगा वहां पे हम लोग यूज करते हैं हैज और हैव। बट देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट वाज देयर बिफोर वी यूज हैड। हम लोग कोई भी चीज अगर वो पहले हो चुका है तो हम लोग हैड यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी जो हो रहा है उसके लिए हैज हैव, और जो काम पहले हो चुका है, ठीक है, वहां पे हम लोग हैज हैव के बदले हैड यूज कर देंगे, ठीक है। आप एग्जांपल देखिए तब आपको समझ में आएगा क्लियरली, ठीक है, कि कहाँ पे हैड यूज होता है। एग्जांपल्स में देखिए, आई हैड नूडल्स फॉर ब्रेकफास्ट यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, ठीक है। मेरे पास कल नाश्ते में क्या था, तो नूडल्स था, ठीक है। हम लोग अगर कोई भी चीज़ जो पहले हो चुका है, अगर लास्ट में यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट मंथ है, ओके स्टूडेंट, सिंपल सा है, वहाँ पे हम लोग हैड लगा देंगे क्योंकि वो हो चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, सी हैड फीवर लास्ट नाइट, ठीक है, उसको पिछली रात को क्या था, तो पिछली रात को उसको बुखार था, फीवर था, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग देख रहे हैं ना कि हैड कहाँ लगा है, यस्टरडे, लास्ट नाइट। We use had for one as well as more than one person, animal or thing. जिस तरह से, ठीक है, has और have में हम बता दिए थे कि has लगेगा singular में, have लगेगा plural में, लेकिन we use had, हम लोग had use करते हैं चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, सब में हम लोग हैड ही यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, हैड के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि ये सिर्फ सिंगुलर के साथ होगा या प्लूरल के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये हैड यूज होगा बोथ के साथ में, सिंगुलर के साथ में भी और प्लूरल के साथ में। लुक एट द टेबल बिलो, ठीक है, नीचे देखिए एग्जाम्पल बताया हुआ, ही हैड, सी हैड, आई हैड, ठीक है, ही, सी, ठीक है, ये तो सिंगुलर है बट इसमें भी हैड यूज होगा, ठीक है। आई प्लूरल है, हैड यूज हुआ है, वी हैड, दे हैड, द डॉग हैड, द किड्स हैड, यू हैड, डैन एंड किंग हैड, ठीक है। हैड का मतलब होता है स्टूडेंट था, और ये बोथ सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज होगा, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन टू। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस With the correct word, one has been done for you. हम लोग को वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही होगा उसको हम लोग फिर से लिखना है, ठीक है। एक आपके बन वहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग को चूज करना है has और have क्या लगेगा। तो he है तो उसमें यूज होगा has. He has a big bicycle, उसके पास में बड़ा bicycle है। B number, I have lots of toys, मेरे पास बहुत खिलौना है। सी नंबर में देखिए, ग्रैंडमा हैज ए पेट डॉग, ग्रैंडमा सिंगुलर है, एक है, तो ग्रैंडमा के पास भी एक पालतू कुत्ता है। मिनी हैज ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, सॉरी इसमें चॉकलेट लास्ट नाइट है ना, हाँ, अगर लास्ट नाइट होगा स्टूडेंट तो हम लोग सिंपल हैड लगा देंगे, ठीक है। तो मिनी हैड ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स लास्ट नाइट, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लास्ट नाइट पिछली रात में मिनी के पास क्या था, तो एक चॉकलेट का बॉक्स था। अब देखिए, एंड एंड इन क्वेश्चन ई, दे हैव हैड पास्ता फॉर डिनर, तो आंसर हो जाएगा दे हैव पास्ता फॉर डिनर, ठीक है। उन लोग के लिए डिनर में क्या है, तो डिनर में पास्ता है।
ओके स्टूडेंट, टुडे आई विल सॉल्व ओनली हाफ हाफ ऑफ द चैप्टर. ओके, रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.